हाँ जी, तो क्या हाल चाल है। अब आज के इस GTA 5 के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि बिग माफिया के भाई को मिलिट्री कर्नल एक्चुअली कहाँ पे रखा हुआ है, कौन सी वो जेल है जो बिग माफिया के भाई को अब परमानेंट बंद करके रख सकती है। अब टेक्नो के वीडियो से आप लोगों को इतना तो पता लग ही गया था कि बिग माफिया के भाई को मिलिट्री कर्नल एक अंडर वाटर जेल में रखा हुआ है जहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाली सिक्योरिटी है। अब अंडर वाटर जाने के लिए अपन को एक सबमरीन की जरूरत थी, तो मैंने ट्रेवर से ये सबमरीन उसकी उधार मांग ली है। अब आप लोगों को तो पता ही है कि बिग माफिया के भाई के पकड़े जाने के बाद से टेररिस्ट एक्टिविटी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है लॉस सैंटोस में। टेररिस्ट ने मिलिट्री वालों को भी पकड़ रखा था, स्वैट वालों को भी पकड़ रखा था, और सबको मार के वो बिग माफिया के भाई की लोकेशन पता करने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि अब डगन बॉस भी शहर में वापस आ चुका है और डगन बॉस ने माइकल को खुले धमकी दे दी कि बिग माफिया के भाई को छोड़ दे अगर तेरा उसमें कोई हाथ है। अब अच्छी बात यह है कि ये लोकेशन अभी तक भी किसी और को मालूम नहीं है। माइकल को भी ये लोकेशन आज ही मिली है। लेस्टर और मिलिट्री कर्नल ने मिलकर माइकल को फोन करके यहाँ पे बुलाया है। कोई स्पेशल इन लोगों की मीटिंग होने वाली है जिसमें ये लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेस्टर ऑलरेडी अपनी टीम के साथ यहाँ पे है और वो ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दुनिया भर के टेररिस्ट हमको धमकी दे रहे हैं, लॉस सैंटोस को धमकी दे रहे हैं, वो लोग एक्चुअली क्या करने वाले हैं। तो लेस्टर ये सारी चीजें पता करने की कोशिश कर रहा है। बाकी आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो कितनी जबरदस्त यहाँ पे सिक्योरिटी है और क्या गजब की इन लोगों ने मतलब यहाँ पे तैयारी कर रखी है। यहाँ पे कोई भी अटैक अगर किसी भी तरीके का होता है, आप लोग देख ही रहे हो, सबसे पहली बात तो ये कि ये पूरा का पूरा अंडर वाटर बना हुआ है। इसका मतलब इस पे दुनिया भर का तो पानी का प्रेशर है। तो ये सिर्फ बुलेट प्रूफ नहीं है, ये इनफैक्ट कैनन प्रूफ भी है। इस पे मतलब अगर रॉकेट भी फोड़ा जाए ना तो भी इस पे ब्लास्ट नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई आता भी है तो उसे अंडर वाटर आना पड़ेगा। और अंडर वाटर अपने पास इस गेम का सबसे खतरनाक वेपन है, जो कि है वो सबमरीन जो माइकल ने अभी पिछले ही वीडियो में चुराई थी। लेकिन ये सारी बातें आगे करने से पहले सबसे पहले आप देख लो अभी मैन ऑफ द मैच को। मैन ऑफ द मैच कौन है? मैन ऑफ द मैच है बिग माफिया का भाई, जिसकी ये है जी पर्सनल जेल। ये देखो आप, ये है भाई साहब की जेल, ये जेल है और ये रहा अपना क्या गजब की जेल है यार भाई साहब। ये रहा बिग माफिया का भाई, माथा पकड़ के अपना सोने की कोशिश कर रहा है बेचारा, लेकिन अब नींद कहां से आएगी, नींद इसकी उड़ा दी है माइकल ने। भाई साहब का पूरा संडास का इंतजाम भी यही हो रखा है जेल के अंदर ही। खैर जेल में बहुत टाइम बिता लिया, अब अपन ने ऊपर चलते हैं, सीधा यहाँ से चलते हैं अपन लेस्टर के पास और मिलिट्री कर्नल के पास। वो लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो लेस्टर की पूरी टीम भी यहाँ पे आई हुई है और ये लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ऐसे टेररिस्ट हैं जो यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं लॉस सैंटोस पे। और जो भी उनका प्लान होगा वो टेररिस्ट का प्लान लेस्टर पता कर ही लेगा। आप लोगों को तो पता ही है कि लेस्टर कितना ज्यादा ओपी है। और जैसे ही लेस्टर को सारी चीजें पता लग जाती हैं, उसके बाद उनके अटैक करने से पहले उनपे पहले अपन ही जाके अटैक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका पूरा का पूरा सर्वर रूम और पूरा इन लोगों ने यहाँ पे जो इनका इंटेलिजेंस रूम है एक तरीके से, जहाँ पे ये लोग सारी मीटिंग्स करते हैं, सारी चीजें करते हैं। सामने की तरफ आप देख पा रहे हो वो बैठा है लेस्टर और लेस्टर की पूरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है। और यहाँ पे इन लोगों ने टेक्नोलॉजी का पूरा तगड़ा इंतजाम किया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो आपके सामने है। दुनिया भर के यहाँ पे सर्वर्स लगे हुए हैं, दुनिया भर के यहाँ पे जितने भी मतलब इंटेलिजेंस वाले काम होते हैं वो सारे यहीं पे होते हैं। अब मैं चलता हूँ यहाँ से सीधा मिलिट्री कर्नल के पास और उससे अपन चल के बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब मेरी बात हो चुकी है मिलिट्री कर्नल से और वो यही कह रहा है कि ये भी इंतजार ही कर रहा है लेस्टर का पता करने का। जैसे ही लेस्टर अपन को बता देता है, लोकेशन दे देता है टेररिस्ट की कि कहाँ पे वो लोग हैं और कहाँ पे वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बाद अपन चलेंगे और उनपे चल के अटैक कर देंगे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।